प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा पीएम मोदी को किए गए ट्वीट के बाद राजनीति गरमाने लगी है। सिंहदेव के ट्वीट का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। कौशिक की माने तो छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां कोरोना का संक्रमण ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। कौशिक ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, बल्कि इस समय सभी दल एक साथ मिलकर कोरोना संक्रमण को दूर करने पर विचार करें तो वह ज्यादा कारगर साबित होगी। कौशिक ने कहा कि आज के समय में वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि राजनीतिक बयानबाजी। कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को सलाह देकर हम देश की भलाई नहीं करेंगे, बल्कि शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन यदि किया जाए तो लोग सुरक्षित रह पाएंगे। प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री को आम जनता के साथ खिलवाड़ ना करते हुए अपील करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्रीय गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है। पूरे देश में जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा करके इस बात को जनता से आह्वान कर रही है कि आप जो पात्रता रखते हैं जल्दी से जल्दी लगवाएं और कोरोना के बीमारी से एक प्रकार से आप सुरक्षित रहें। लेकिन छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति प्रारंभ हुई और प्रारंभ होने के बाद में आज कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है जहां एक्टिव केस है। लगातार यहां पर मृत्यु हो रही है। मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश को पीछे पछाड़ चुके हैं कोरोना के मामले में, और उसके बाद राज्य की छत्तीसगढ़ की सरकार और मंत्री यदि प्रधानमंत्री जी को या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दे तो इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है।